प्रातः स्मरणीय हमारे पूज्य गुरुदेव को मुंगेर के सभी साथी जो हमारे साथ आए हैं त्रैवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव हमारा प्रश्न है कि भारतीय ऋषि मुनि परंपरा में जो योग की साधना है उसमें चक्रों के विषय में बताया गया है। मुझे जैसे मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा चक्र और सहस्त्र, तो साधना के क्रम में चाहे वो साधना किसी प्रकार की भी हो हम उसका प्रयोग किस प्रकार से करें, कृपया इस बिंदु पर मार्गदर्शन दें। देखिए चक्रों की साधना का मेरा कोई अनुभव नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है कि जैन साधना में इन्हें कहीं स्थान नहीं दिया गया। जैन साधना में कहीं चक्रों का कोई विधान नहीं। अगर कोई जैन साधना में इन बातों को जोड़ा है तो कहीं और से लाके जोड़ा है, मूलतः ये पातंजलि योग से निकला है। एक मौलिक अंतर है जैन साधना और इतर साधना के बीच, वो ये है कि इतर साधना में योग की शुद्धि है और जैन साधना में उपयोग की शुद्धि। अपनी भावधारा को मोड़ने की प्रेरणा जैन साधना में दी जाती है और जैन साधना मूलतः भावनाओं के ऊपर निर्भर है, भावनाओं को मोड़ना और उसे निर्मल बनाना और फिर धीरे धीरे भावातीत हो जाना, यही जैन साधना का मूल आधार है। हम जैन साधना में जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंदकुंद के वांग्मय को देखते हैं, जिन पर आज रोज सुबह अभी चर्चा चल रही है और इस बार के चातुर्मास में वही नवनीत आप सबको मिल रहा है। उसमें उन्होंने ध्यान का जिक्र किया लेकिन चक्रों का नहीं। और ध्यान क्या है? स्थिर ज्ञान का नाम ही ध्यान है। ज्ञान की चंचलता चित्त की व्यग्रता है जो हमारे मन में उत्पन्न होने वाले राग देश मोह जन्य विकार के कारण उत्पन्न होते हैं। और हम अपनी शुद्ध आत्मा की भावना भाते 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 जिस पल हम अपने आप को शुद्ध जानने और देखने रूप ज्ञान दर्शन में चेतना अनुभव करने लगते हैं, हमारे अंदर के राग देश मोह रूप विकार सब समाप्त हो जाते हैं। वही हमारी चेतना की सबसे निर्मल और विशुद्ध निर्विकल्प परिणति होती है, उसी का नाम परम ध्यान है। और कुछ पल तक के लिए इस ध्यान में स्थिर होते ही केवल ज्ञान हो जाता है। हमारी साधना वो है, जैन साधना कहती है, जो तुम पाना चाहते हो और जैसा तुम होना चाहते हो हर पल उसका ही ध्यान रखो, हर पल उसी धुन में रखो। शुद्धम तु व्यानंतो विशुद्धमेव अपगम लहति शुद्धम, जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव अपगम लहति। ये निचोड़ दे दिया कि शुद्ध का ध्यान करने वाला अपने विशुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है, शुद्ध की भावना भाने वाला अपनी विशुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है और अशुद्ध की भावना भाने वाला अशुद्ध में ही रमा रहता है। अगर तुम अपने दुखों से मुक्त होकर स्थायी रूप से मुक्ति चाहते हो, अपने भीतर के परमात्मा को उद्घाटित करना चाहते हो, तो मैं परमात्मा हूं ये अनुभव करो। हर पल इसका अनुभव करो। और इसी बात को आचार्य पूज्यपाद ने
एक बहुत अच्छी कारिका में खोला है। सोहमितात संस्कारात तस्मिन भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात लभते ही आत्मनिस्थिति। सोहम इति आत्म संस्कारा, मैं मेरे भीतर विराजित शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख आनंदमय परम चेतन परमात्मा हूँ। इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया सो हम स अहम, जो मेरे भीतर है वह मैं हूँ। तस्मिन भावने आपना नित्य उसी की जो भावना भरा है तस्मिन भावने आपना तत्रैव दृढ़ संस्कारा, और उसमें ही जिसके संस्कार दृढ़ हो गए वही अपनी आत्मा में स्थिरता रखकर परमात्मा होता है। ये जैन साधना का मूल है, इसलिए इस योग को ध्यान में रखे। हमने भावना योग का जो प्रारूप बनाया वो ध्यान का वह सरलतम रूप है, ध्यान भी नहीं कहूंगा, साधना का वह सरलतम रूप है जिसे हर कोई अपनाकर अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित कर सकता है। और आज का आधुनिक मनोविज्ञान उस पर ही जोर देता है। जिस बात को आज का आधुनिक मनोविज्ञान आज कह रहा है जैन परंपरा में, वो सदियों से साधना के रूप में अपनाई जाती रही है। इसलिए चक्रों की कोई बात किसी भी जैन ग्रंथ के, जैन धर्म के मूल ग्रंथ में नहीं है। उपयोग की शुद्धि पर बल है और हमें उस पर ही अपना ध्यान देना चाहिए।